मैं तो सिर्फ सारथी हूँ, चक्रव्यूह तोड़ने वाली। Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I am here to review the film Veda. Veda revolves around a character named Veda played by Sharvari जो बारमेर राजस्थान में रहती है and you know she comes from lower caste जहाँ पे दिखाया जाता है कि यार अभी भी हम ऐसी सिचुएशन में कि कॉलेज में भी you know जहाँ पे पानी पीने की बात आती है तो लोअर कास्ट के लिए एक मटका है और अपर कास्ट के लिए एक कूलर है, इतना डिफ्रेंशिएट किया जाता है अभी भी हमारी कंट्री में, ये दिखाने की कोशिश की गई है। नाउ बारमेर में जो है देयर इज दिस प्रधान जी प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी, उनका राज चलता है। वाइल मीडिया के सामने तो वो बताता है कि सब कुछ ठीक है, एवरीवन इज इक्वल, बट ऑफकोर्स ये अपर कास्ट लोअर कास्ट की चीजें अभी भी वहां चल रही होती है। अभिमन्यु प्लेड बाय जॉन अब्राहम एक कोर्ट मार्शल्ड आर्मी ऑफिसर है जो बारमेर में आते हैं एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग एज एन असिस्टेंट बॉक्सिंग कोच इन वेदास कॉलेज। नाउ अमंग ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, वेदा की फैमिली जो है एक ट्रबल में आ जाती है विद प्रधान जी और नाउ इट इज लाइक के प्रधान जी जो है वो वेदा को मारना चाहते हैं, बट हाउ अभिमन्यु प्रोटेक्ट्स वेदा फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी और आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट ऑल इज हैपनिंग। सो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की इस मूवी की बात करूँ, वेदा का बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। ऑफकोर्स द फर्स्ट हाफ हैज सम हार्ट हिटिंग सीक्वेंसेज, आपको लगा कि ओ शिट अभी भी यू नो लाइक वी आर इन 2024 एंड यू नो स्टिल ये सब चीज़ें हो रही है हमारी कंट्री में, तो ये आपको शॉक भी कर देगा। बट येस द प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज दैट इट इज़ वेरी स्लो एंड इट इज यू नो द सीन्स आर वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेच दैट आफ्टर द पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग बोर। मतलब ऐसे रहेगा कि यू नो अच्छा चल रहा था बट अगर वो सीन इतना लंबा चल जाता है कि आपको लगता है यार कब से तो ये देख रहे हैं मूवी। मूवी का रन टाइम इज जस्ट 150 मिनट्स, दैट इज लाइक अराउंड 2.5 आवर्स एंड यू नो कहते हैं ना कि फिर 2.5 आवर्स की मूवी भी हमें बहुत लंबी लगती है, ऐसे लगता है कि यार कब से चलती आ रही है। इंटरवल पॉइंट भी आते आते बहुत टाइम लग जाता है एंड यू नो जो लास्ट 30 मिनट्स जो इस फिल्म का हाईलाइट होना चाहिए था वो हाईलाइट नहीं है, वो बहुत स्ट्रेच लगता है, बहुत लॉन्ग लगता है एंड एज आई सेड कि आपको बहुत बोरिंग कर देगा। सो यू नो कहीं ना कहीं ये निखिल अडवाणी की फिल्म हमें इतना इम्प्रेस नहीं कर पाती है। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेज, दिस इज अ शर्वरी फिल्म, आई थिंक शी हैज़ परफॉर्म्ड अमेजिंगली। यू नो कहते हैं ना कि शी इज अ टफ कंटेंडर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स नेक्स्ट ईयर, शी इज जस्ट फैंटास्टिक। जॉन अब्राहम को यू नो ज़्यादा डायलॉग्स नहीं दिए गए, ही हैज़ टू इमोट विद हिज आईज एंड हिज फेशियल एक्सप्रेशन एंड इट डज इट वेरी वेल एंड यू नो ऑफकोर्स उनके मसल फ्लेक्स करते हैं वो, जो हमें हमेशा जो कहते हैं ना जॉन जैसे कैरेक्टर में हमें पसंद है वैसे ही हमें यहाँ पे देखने मिले हैं। अभिषेक बैनर्जी यू नो एज जन्ना आई वॉज सो इम्प्रेस्ड इन स्त्री टू ऑल्सो कि यार अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग थी, उसी तरह यहाँ पे भी एज अ विलेन अभिषेक बैनर्जी इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। सो येस यू नो इट्स इट हैज़ अ गुड कॉन्सेप्ट बट इस गुड कॉन्सेप्ट को एक अच्छी मूवी में कन्वर्ट नहीं कर पाया निखिल अडवाणी, दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग विद 2.5 स्टार्स।